रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए आज राजधानी देहरादून की तमाम दुकानें सज गई हैं। हलवाइयों की दुकानों पर कई प्रकार की मिठाइयां सजी हैं, वहीं कुछ लोग चंद मुनाफे के लिए मिलावट करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसको देखते हुए स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कहा है कि मिलावटखोरों के लिए उन्होंने कड़े कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं फूड सेफ्टी अधिकारी जगह जगह पर सैंपलिंग भी ले रहे हैं और राजधानी में 2 मोबाइल वाहन सैंपल जांचने का काम कर रही हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, मिलावटखोरी के खिलाफ हमारा अभियान लगातार चालू है और अभी हमने जो फूड टेस्टिंग वैन्स भी हम लोग खरीद रहे हैं, 2 वैन्स आ चुके हैं और 10 और वैन खरीदने की तैयारी चल रही है। इसका मेन एडवांटेज ये है कि जहाँ पे भी हमारी टीम छापामारी का अभियान करती है, वहीं तुरंत जाके जो भी आइटम्स हैं, जहाँ पे हमें शक हो कि फूड आइटम अडल्ट्रेटेड है, तो वहीं पे जाके हम लोग उसका टेस्टिंग करा के रिज़ल्ट हम लोगों को मिल जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास जो फूड टेस्टिंग लेबॉरेटरी है यहाँ पे देहरादून में भी हम लोग एक और विकसित करने जा रहे हैं। अभी फिलहाल दुर्गपुर में टेस्टिंग चल ही रही है, लेकिन देहरादून जनपद में भी जो FDA का भवन है वहाँ पे हम लोग एक और टेस्टिंग लेबॉरेटरी विकसित करने जा रहे हैं।